देखो, कराटे की स्पोर्ट्स या फिर सीआरसी वाली टीम के एक प्लेयर ने अपना पीओवी डाला था। मतलब नाम का ही पीओवी है। 6 मिनट के वीडियो में तीनों मैचेस की फाइट्स कवर कर दी हैं भाई ने। उस पे भी बाद में आएंगे, लेकिन हमारे इन्हीं रिट्रीट भाई के पहले मैं आपको आईडी दिखाना चाहता हूँ क्या है। अब अगर तुम गेम को ओपन करके इस ऑर्डर में सीआरसी रिट्रीट डालते हो तो सर्च पे क्लिक करते ही तुमको एक बैंड आईडी दिखेगी जिसका टीआरबी Bronze 3 है। उसका तुम्हें क्लैन दिखेगा रिजिलिएंट, और उस क्लैन का लीडर भी है सीआरसी एक्स रिट्रीट। और ये वही आईडी है जो अभी रिट्रीट भाई ने अपना पीओवी डाला है। या फिर तुम बीजीआईएस खोल के देखोगे तो उस स्ट्रीम पे भी बिल्कुल इसी ऑर्डर में सीआरसी रिट्रीट लिखा हुआ दिखेगा। फिर भी यकीन ना हो कि इसी की आईडी है तो तुमको इसकी पॉपुलैरिटी रैंकिंग में दूसरे नंबर पे सीआरसी एक्स एडी इनकी टीम का दूसरा प्लेयर दिख जाएगा। फिर इसके बाद इनकी रीसेंट इंटरेक्शन में जाओगे तो पुराने उसमें तुमको आईडी की बहुत सारी पॉपुलैरिटी देखने को मिल जाएंगी। इसके कैरेक्टर ओवरव्यू पे जाओगे तो आपको तुम्हें नीचे भी रिट्रीट की दी हुई पॉपुलैरिटी देखने को मिलेगी। रिट्रीट के अलावा कॉन्करर जो इनका तीसरा प्लेयर है वो भी दिख जाएगा। और तो और रिट्रीट की बैंड वाली आईडी की अगर आप करियर रिजल्ट्स ओपन करोगे तो इसमें आपको मैचेस भी उन्हीं प्लेयर्स के साथ देखने को मिलेंगे, आईडी देखने को मिल जाएगा, सीआरसी के क्लैन के और प्लेयर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये तो 100% प्रूवन है कि ये उसी की आईडी है। और तो और ये इस आईडी से खेला करता था पिछले सीजन तक भी, क्योंकि अगर आप इसका करियर रिजल्ट में जाओगे रैंक्ड करके देखोगे तो पिछले सीजन में भी उसने एक मैच खेला हुआ है। मतलब तब तक इसकी आईडी यूजेबल थी। और जैसे टीम आईवी के ब्लैक्स की आईडी चीटिंग सॉफ्टवेयर यूज करने की वजह से परमानेंट बैन हुई थी, वैसे ही ये भी बैन हुई है क्योंकि बैंड भी पड़ी हुई है और साथ में उसका टीयर भी Bronze 3 पे है। और टीयर रीसेट भी तब होता है जब तुम्हारे चीटिंग सॉफ्टवेयर यूज करने की वजह से आईडी बैन होती है। और इसकी अभी वाली आईडी जो है उसमें टी कैपिटल है बीच वाला, तो वो अगर आप डाल के देखोगे तो आपको सेम अभी रिट्रीट की मेन वाली आईडी देखने को मिलेगी जो उसी रिजिलियंट क्लैन के लीडर भी है और सीआरसी के बंदों की पॉपुलैरिटी भी है उसमें। तो इस सब के बाद में भी कुछ लोग बहाना दे सकते हैं कि उसने क्लासिक में 30-32 स्केल मार दिए थे तो मास रिपोर्टिंग की वजह से उसकी आईडी बैन पड़ गई थी। तो इस चीज के लिए मैं तुमको एक चीज नोटिस कराना चाहूंगा कि हमारे रिट्रीट भैया के पीओवी में एक बंदा है जो एसडीई थॉर के नाम से खेल रहा है और ये भैया का बीजीआईएस का सो कॉल्ड पीओवी है। बीजीआईएस के ऑफिशियल स्ट्रीम में भी आपको एसडीई एक्स थॉर के नाम से इनकी टीम का बंदा खेलता हुआ दिख जाएगा। मतलब ये लोग इतने ज्यादा आलसी हैं कि इन्होंने पुरानी वाली क्लैन का नाम तक चेंज करना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि एसडीई इनकी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जिसमें ये लोग एज प्रोफेशनल ई-स्पोर्ट्स एथलीट्स खेलने के लिए गए थे। और ये मामला है 20 अगस्त 2023 का, पिछले साल का, जब एसडीई ने इनको स्पॉन्सर किया था और इन लोगों ने एसडीई का सर्वर ज्वाइन किया था। यहाँ पे तुमको आईडी दिखेगा, कॉन्करर दिखेगा और पैनिक दिखेगा। पैनिक तो यार देखा देखा सा लग रहा है, नाम कहीं देखा था। ओ ये तो वही कराटे की स्पोर्ट्स का BMOC के टाइम वाला पैनिक है जिसने मिनी 14 से ऐसे मारा था।